हेलो क्लास, आज हम बात करने वाले हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में, द बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, ये हमने कहा है कि जैसे जब हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम की, अर्थ की, तो कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, कुछ टर्म्स पता होने बहुत ज़रूरी हैं। बिग बैंग थ्योरी का जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हर चीज़ की शुरुआत या हर चीज़ का जन्म किसी न किसी चीज़ से होता है। ठीक है, हर चीज़ किसी न किसी घटना से अक्योर होती है या किसी न किसी घटना के बाद अस्तित्व में आती है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं हमारे यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स की शुरुआत कहाँ से हुई, यूनिवर्स ऐसी कौन सी घटना हुई कि यूनिवर्स बना, तो यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ, तो उसकी शुरुआत या उसका जन्म हुआ है द बिग बैंग, यानी कि बिग बैंग से। और बिग बैंग की थ्योरी क्या है, एक्चुअली साइंस के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि ब्रह्मांड में पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बिंदु था, और वो बिंदु जो था अपने आसपास की सारी चीज़ों को अपने अंदर खींच रहा था, अपने अंदर समाहित कर रहा था। जैसे एक चुंबक दूसरे चुंबक को खींचता है ना, इसी तरीके से वो क्या था, वो सारे आसपास की चीज़ों को खाता जा रहा था, अपने अंदर उसने भर लिया था। ठीक है ना, अब जब उसने सबको अपने अंदर डाल लिया, तब क्या हुआ, उसके अंदर क्या हुआ, बहुत सारी हीट और बहुत सारी एनर्जी क्रिएट होने लगी। अब हीट और एनर्जी क्रिएट होती है तो क्या होता है, देखिए जब हीट क्रिएट होता है तो क्या होता है, अपने घर में, आपके घर में, सभी के घर में कुकर में कुछ ना कुछ तो बनता होगा, दाल या चावल। तो कैसे बनता है, हम उस पर पानी डालते हैं, सामान डालते हैं और उसको ढक्कन लगाते हैं, लिड लगाते हैं और रख देते हैं। धीरे थोड़ी देर बाद उसमें सीटी आती है और हमें पता चलता है हाँ हो गया। आपको पता है प्रोसेस क्या होती है, वो कुकर चारों तरफ से पैक होता है। ठीक है, और उसको कहीं से हीट मिलती रहती है तो उसके अंदर क्या होता है, भाप बनना शुरू होती है। अब वो भाप जो है वो तेज़ी से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढती है कि मुझे कहीं से निकलना है, पर चारों तरफ से तो पैक है, तो वो कहाँ से निकलती है, वो ऊपर का जो हिस्सा, सीटी का हिस्सा होता है, विजल का हिस्सा, तो वहाँ पर वो हीट करती है और उसके साथ बाहर निकलती है। लेकिन बिग बैंग, वो बिंदु जहाँ से जिसने सबको खाना शुरू किया था, अब उसमें तो कुछ निकलने का जरिया नहीं था, कोई जगह नहीं थी, कैसे निकले। तो जब बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर बन गई, तो क्या हुआ, उसने खुद को ही विस्फोट कर दिया, यानी कि उसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। वो बहुत, जैसे बम फटता है ना, उसी तरीके से वो बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसके अंदर के सारे मैटर, छोटे बड़े हिस्सों में बाहर और दूर दूर तक फैल गए। जैसे आप लोग दिवाली में पटाखे फोड़ते हो, कई बार किसी डब्बे पे रख के फोड़ते हो तो डब्बा भी बहुत दूर जाकर के गिरता है, कई बार जो बम फोड़ रहे हो उसका जो कवर होता है वो बहुत दूर जाकर गिरता है। क्यों गिरता है, एनर्जी की वजह से, है ना, उसमें विस्फोट इतना तेज होता है। इसी तरीके से जब बिग बैंग का विस्फोट हुआ तो उसके अंदर के भी सारे मैटर्स और वो खुद उसके खुद के हिस्से छोटे बड़े पार्ट्स में पूरी तरीके से फैल गए, और यही जो फैलाव है इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। और आपको पता है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और हम तो अभी तक इसका कोई मतलब हमने इसको तभी कवर भी नहीं किया, हम तो अभी बहुत बहुत छोटे हिस्से तक इसके पहुंच पाए हैं। और देखिए, जब बिग बैंग हुआ तभी से हम ये मानते हैं कि टाइम की शुरुआत हुई। इसका एक्सपेंशन क्या है, बढ़ता जा रहा है, ये लगातार अपने अंदर, मतलब इसकी जो चीज़ें हैं ये लगातार फैलती जा रही, क्योंकि विस्फोट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा था और ये कई सौ साल पहले हुआ था। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है, इसके पहली थ्योरी 1920 में जॉर्ज लिमेट्री ने दी थी, और अभी हाल फिलहाल में स्टीफन हॉकिंग ने इसकी पुष्टि की है। लेकिन क्या है पता, लेकिन साइंस कभी अपने रहस्य पूरे नहीं खोलता है, यानी यूनिवर्स से जुड़े ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आज भी बने हुए हैं। क्या सच में बिग बैंग हुआ था, अगर हुआ था तो और क्या हुआ था, उससे पहले क्या था। तो हम इस थ्योरी को इसलिए मानते हैं क्योंकि फिलहाल जितनी खोज हुई है, जितने लोगों ने इस पर स्टडी की है, उसके हिसाब से ये
सही मानी गई है, लेकिन अब आगे इस पर अभी और स्टडी चल रही है, तो आगे कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हमारे लिए ये थ्योरी सही है।